हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। तो आपने डिग्री पढ़ी थी ना एडजेक्टिव की, कि बेसिकली तीन डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें डिग्री में देखना है कि डिग्री में कैसे इसको ना इंटरचेंज करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूँ किसी पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या हो गया कि राम इज अ गुड बॉय। अब इसी को अगर हमें कंपेयर करना हो, मान लो अगर हमें कंपेयर करना है श्याम से, तो मैं बोलूंगा राम इज बेटर देन श्याम। ठीक है, और इसी को अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री में करना हो, मान लो राम के बारे में बात करनी हो, किसी क्लास में कोई बच्चा है उसका नाम राम है, वो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, देन आई वुड से राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये तो तीनों बिल्कुल अलग अलग सेंटेंस थे। अब हमें ये देखना है कि एक ही सेंटेंस को जो किसी भी डिग्री में हो, अगर पॉजिटिव में हो तो कंपेरेटिव करना है, या कंपेरेटिव में हो तो सुपरलेटिव करना है, या सुपरलेटिव में हो तो पॉजिटिव करना है। तो ये जो भी इंटरचेंज करना है ना, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आई हैव प्रिपेयर्ड अ नोट्स एंड दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो देखिए, पहले शुरुआत में हमने लिखा हुआ इंटरचेंज ऑफ डिग्री। अच्छा, अभी ये इंटरचेंज भी होता है ना दो तरीके से होता है। ठीक है, पहला तो होता है वन इज टू वन, मतलब किसी एक पर्सन के साथ किसी एक पर्सन को कंपेयर करेंगे, या किसी एक चीज के साथ किसी एक चीज को कंपेयर करेंगे, ओनली वन इज टू वन, राइट। तो जब 1:1 होगा तो इसमें केवल पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। तो और अगर 1:ग्रुप होगा, 1:ग्रुप या ग्रुप इज टू वन, तो उस केस में क्या होगा कि इसकी तीनों डिग्री बनेंगी, पॉजिटिव भी, कंपैरेटिव भी और सुपरलेटिव भी। तो सबसे पहले हम 1:1 वाला देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 1:1 वाले को मैंने ये टाइप 1 लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या किया है, जैसे मैंने लिया है नैना और गुरप्रीत को। ठीक है, तो आई हैव रिटन नैना इज स्मार्टर देन गुरप्रीत। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप का, इन अ सेंस इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री है कंपैरेटिव। कैसे कंपैरेटिव, क्यों, क्योंकि इसमें आपको देन दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें अगर देन लगा हुआ है और प्लस इसमें ईआर इज देयर, स्मार्ट में देखो ईआर लगा हुआ है, तो इसलिए क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। तो अभी बताया था कि 1:1 में केवल दो डिग्री होगी, पॉजिटिव होगी तो कंपैरेटिव करना है और कंपैरेटिव होगी तो पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो अब हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री इसकी क्या होगी। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी गुरप्रीत इज नॉट एज स्मार्ट या सो स्मार्ट एज नैना। गुरप्रीत इज नॉट एज स्मार्ट एज नैना। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है। देखो, जो इसका जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है ना, नैना इज स्मार्टर देन गुरप्रीत, इस सेंटेंस को देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो इस सेंटेंस में कहीं पर नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव का हो या कंपैरेटिव का हो, जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के बाद उसमें नॉट लगा देंगे। अगर नॉट लगा होगा तो हम नॉट को हटा देते हैं। इज दैट क्लियर। तो देखो, जैसे कि सेंटेंस से पहले वाले में नॉट नहीं लगा था, कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगा था, तो इसलिए हमें पॉजिटिव में नॉट लगाना पड़ा। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2। पीयूष इज एज टॉल एज शौर्य। तो पीयूष उतना ही लंबा है जितना कि शौर्य। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि देखो, डिग्री चेंज करना हो, जब भी हम इंटरचेंज करते हैं, है ना, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अगर कंपेरेटिव की बात करें तो सॉरी पहले ये जो सेंटेंस हमने लिख रखा है पीयूष इज एज टॉल एज शौर्य, तो ये कौन सी डिग्री में है? तो इसमें हम देखेंगे टॉल लिखा हुआ केवल है ना, तो जब केवल टॉल है ना ईआर है ना ईएसटी है तो ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव डिग्री। तो हमें इसमें अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंपेरेटिव डिग्री। तो अब हम इसको कंपेरेटिव में करेंगे तो चूंकि सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है हम नॉट लगा देंगे, तो सेंटेंस विल बिकम शौर्य इज नॉट टॉलर देन पीयूष, शौर्य इज नॉट टॉलर देन पीयूष, मतलब शौर्य पीयूष से ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब दोनों की हाइट सेम हो गई है ना। तो देखो तो दोनों के सेंटेंस की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब हम बात करेंगे टाइप टू की, ठीक है। अभी टाइप टू का पहला टाइप है, एक्चुअली ये टाइप टू है, इसके बाद एक टाइप थ्री है। तो टाइप थ्री आई हैव नॉट डिस्कस्ड टुडे, दैट आई विल टेल यू टुमारो, क्योंकि फिर चीजें बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, पढ़ाएंगे ज्यादा समझ में आएगा कम। तो फिलहाल लेट्स सी द टाइप टू। टाइप टू क्या है? वन इज टू ग्रुप, वन इज टू ग्रुप या ग्रुप इज टू वन, ठीक है। तो अच्छा अब ये जो टाइप है ये द सुपरलेटिव का है, किसका? ये द सुपरलेटिव। देखो वन ये जो मैंने वन इज टू ग्रुप लिखा इसके आगे मैंने लिखा द सुपरलेटिव। तो द सुपरलेटिव का क्या मतलब? देखो सुपरलेटिव ना दो टाइप के होते हैं, है ना, एक सीधा सीधा होता है द सुपरलेटिव, एक होता है वन ऑफ द सुपरलेटिव। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब एक ये हो गया भाई कि द सुपरलेटिव मतलब उसके जैसा कोई और नहीं है या उस चीज के जैसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं, है ना, तो वहां पे हम बोलेंगे द सुपरलेटिव, ठीक है। लेकिन जो वन ऑफ द सुपरलेटिव हो गया तो वो होता है अच्छों में से एक, अच्छों में से एक मतलब सुपरलेटिव और भी इसके जैसे कुछ लोग हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, मान लो अंबानी, अंबानी को सबको जानता होगा, जियो वाले बाबा, है ना। तो अंबानी का क्या सीन है, जैसे अगर हम बात करें अंबानी की, तो आई कैन से दैट अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अंबानी पूरी दुनिया के अमीर आदमियों में से एक हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अंबानी की बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में तो हमें कहना पड़ेगा अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। आई बिलीव यू आर गेटिंग द डिफरेंस। जब लेवल पे बात करूंगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करूंगा, तो वहां पे अंबानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं है, लेकिन हाँ दुनिया के अमीर इंसानों की लिस्ट में है। इन दैट केस आई वुड से वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। लेकिन अगर हम मैं केवल इंडिया की बात करूं तो उस केस में क्या होगा भाई, ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इसलिए यहां पर मैं केवल द सुपरलेटिव की बात कर रहा हूं, वन ऑफ द सुपरलेटिव की बात नहीं कर रहा हूं। नाउ हियर आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर वन, रोनाल्ड इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, रोनाल्ड इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा तो इस सेंटेंस में देखिए पहले आप डिग्री बताइए इसकी, इसकी डिग्री क्या होगी? कुछ ने सही बताया, कुछ अभी भी चुप हैं, ठीक है। तो वैसे इसकी डिग्री है सुपरलेटिव, ठीक। क्यों कैसे क्या हम कह सकते हैं भाई सुपरलेटिव डिग्री? एक तो द लगा हुआ है और गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है ना, तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है कंपेरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में, हाँ। लेकिन वही बात ध्यान में रखनी है कि मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा था कि रोनाल्ड इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, रोनाल्ड क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया ना कि रोनाल्ड मतलब उसके क्लास में उसके जैसा बच्चा कोई है ही नहीं, या दूसरे जितने बच्चे उनसे अच्छा है, ठीक है। तो इसको देखिए कंपेरेटिव में कैसे करेंगे, कंपेरेटिव में शुरुआत ऐसे ही करते हैं जैसे कि सुपरलेटिव में करेंगे, ठीक है। तो अगर रोनाल्ड इज अब ये बेस्ट था तो बेस्ट का कंपेरेटिव क्या होगा, बेटर होगा, रोनाल्ड इज बेटर। अब सिंस इट इज कंपेरेटिव डिग्री तो वी हैव टू यूज देन आल्सो, सो हमने लगा दिया देन, रोनाल्ड इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, रोनाल्ड इज बेटर देन
एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास. ठीक है, रोनाल्ड क्लास के किसी भी और बच्चे से ज्यादा अच्छा है. फिर हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिव डिग्री की. तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री में हम इसके शुरुआत करेंगे नो अदर से. किससे शुरू करेंगे, नो अदर से. क्यों नो अदर से शुरू करेंगे, क्योंकि जब मैंने कह दिया कि रोनाल्ड सबसे अच्छा है तो उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी क्लास में, है ना. इसलिए मैंने देखो मैं शुरुआत में कह रहा नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज रोनाल्ड. पूरी क्लास में उतना अच्छा बच्चा कोई है ही नहीं जितना कि रोनाल्ड. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना. अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जितने भी तीनों क्लास के ग्रुप हैं, सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ, है ना, तो आपको ग्रुप में मैसेज किया गया था कि आप जो भी आपका कंसर्न हो, आपको डाउट हो तो आप डाउट पूछ लो टीचर से, या होमवर्क करके टीचर्स के पर्सनल नंबर पे आप अपने आंसर शीट मैसेज करो. बट व्हाट आई सी कि मुझे मुश्किल से 7 to 8 स्टूडेंट्स के केवल मैसेजेज आते हैं. ठीक है, क्लास 8 के कुछ बच्चे हैं, उसमें एक पहले दिन वसीम ने किया था और एंजेला इज देयर, एंजेला, अंशिका, प्रिया, कौशिकी, ठीक है, और एक अनन्या और शाश्वत. ये बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, बाकी बच्चों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है. ठीक है, कि वो हैं कि नहीं है, आई जस्ट डोंट नो. द सेम गोज विद क्लास 7th एंड क्लास 6th. क्लास 6th और 7th में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है रजिस्टर के हिसाब से, बस बट क्लास में अभी ग्रुप में जो भी चल रहा है तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन हमें दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मेक क्लियर कि जब स्कूल ओपन होगा तो जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है तो वो सारा कुछ उन सब का भी एक टेस्ट होगा जो आपके यूनिट 1 होगा, तो मैं इसमें से भी बहुत कुछ देने वाला हूँ. ठीक है, सो प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग एंड बी सीरियस. ठीक, चलो नाउ कमिंग बैक टू द मुद्दा. सो नाउ आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल. ए आर रहमान का नाम शायद सबने सुना होगा. ए आर रहमान हैज कंपोज्ड मेनी अ सॉन्ग इन द बॉलीवुड. ठीक है, तो बॉलीवुड एंड ऑल्सो इन लाइक टॉलीवुड एंड ऑन सम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑल्सो. तो ए आर रहमान की बात करें तो ए आर रहमान के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ए आर रहमान इज द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन इन बॉलीवुड. ए आर रहमान इज द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन इन बॉलीवुड. ठीक है, तो रहमान, ए आर रहमान क्या है भाई, सबसे ज्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियन है बॉलीवुड में. अब जब मैंने कहते सबसे ज्यादा टैलेंटेड, मतलब उनके इतना टैलेंटेड कोई म्यूजिशियन बॉलीवुड में नहीं है. ठीक है, बाय द वे इट्स नॉट अ सर्वे एंड दैट्स नॉट द गूगल रिजल्ट, आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल. ठीक है, सो द डेटा इज नॉट नेसेसरी टू बी करेक्ट, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, ऐसे दिख रहा है क्योंकि द भी लगा हुआ और मोस्ट भी लगा हुआ है. देन वी कम टू कंपैरेटिव डिग्री. तो वही कॉम्पिटेटिव ऐसे शुरू करेंगे जैसे मैंने इसको ऊपर वाला किया था. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आर रहमान इज मोर टैलेंटेड. ए आर रहमान इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर म्यूजिशियन इन बॉलीवुड. ए आर रहमान इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर म्यूजिशियन इन बॉलीवुड. ठीक है, ए आर रहमान किसी भी और म्यूजिशियन से, मतलब बॉलीवुड में किसी भी और म्यूजिशियन से ज्यादा टैलेंटेड है. फिर हम इसके पॉजिटिव डिग्री पे आएंगे. तो पॉजिटिव डिग्री में फिर वही बात होगी कि भाई उनके जैसा कोई है ना, तो फिर वी हैव टू स्टार्ट विद नो अदर. तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, नो अदर म्यूजिशियन इन बॉलीवुड. नो अदर म्यूजिशियन इन बॉलीवुड इज एज टैलेंटेड एज ए आर रहमान. कोई और म्यूजिशियन बॉलीवुड के अंदर उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है जितना कि ए आर रहमान. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड. और ये देखो लास्ट मैंने ना एक ये ब्रैकेट दिख रहा होगा, एक बॉक्स में मैंने एक्चुअली आई हैव रिटन अ फॉर्मूला. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस फॉर्मूला एंड इट विल हेल्प यू टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस इजीली. ठीक है, तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. और ये देखो डबल एरो का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव टू कंपैरेटिव भी जा सकता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी आ सकता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जा सकता है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आ सकता है, सुपरलेटिव से कहीं भी, मतलब इसमें तीनों सेंटेंस
आपस में एक्सचेंजेबल हैं, राइट। अब इसमें जैसे ये जो मैंने अभी टाइप टू बताया था, तो उसी का ये एक फॉर्मूले के रूप में आई हैव रिटन कि अगर अगर पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर लगा हुआ है ना, तो अगर कॉम्पेरेटिव बनाना हो तो हमें देन एनी अदर लगाना होगा, और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो द मोस्ट लगाना है, ठीक है, एंड वॉइस वर्सा। ऐसे ये अपना आपस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पहले भी इसको समझ लो आराम से, और हो सकता है कि शाम तक आई विल सेंड यू द होमवर्क दैट व्हाट यू हैव टू डू, बट इसको एक बार पहले प्रॉपरली देख लो, समझ लो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक वॉट एवर, सो जस्ट डू कंसल्ट मी, ठीक है। माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑलरेडी देयर, और ऑलरेडी अभी ये जिससे जाएगा है ना, जिस नंबर से जाएगा तो भी मेरा ही नंबर होगा या फिर अमर सर का नंबर होगा, ठीक है। तो वैसे मेरा नंबर इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप, आई हैव सेंट इट इन ऑल द थ्री ग्रुप, क्लास 6th, 7th, 8th, है ना। तो जो भी डाउट वॉट रहा करो तो जस्ट कंसल्ट मी, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।